चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूप बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं। आज सांगतोय आता सांगतोय ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मुंबई के शिवाजी पार्क में गुड़ी पाड़वा पर राज ठाकरे की ललकार में पूरे महाराष्ट्र ने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का अंदाज देखा। वही स्टाइल, वही तेवर देखा। मुसलमानों के खिलाफ वैसी ही नाराजगी देखी। लगता है नए साल में राज ठाकरे ने अब कट्टर हिंदुत्व का चोला पहन लिया है। मशीदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ तब बाला साहेब ठाकरे थे, अब सड़कों पर अजान के खिलाफ राज ठाकरे हैं। अब बाला साहेब ठाकरे से एक कदम आगे बढ़ते हुए राज ठाकरे ने लाउड स्पीकरों से अजान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तब बाला साहेब ठाकरे नमाज के खिलाफ सड़कों पर महाआरती की बात किया करते थे, अब राज ठाकरे हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मी धर्माभिमानी है, माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नहीं है, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। बाला साहेब ठाकरे को देशभक्त मुसलमानों से एतराज नहीं था, राज ठाकरे को भी नहीं है, लेकिन अब वे कट्टर हिंदुत्व के साथ हिंदू हृदय सम्राट बनने की दिशा में भी चल पड़े हैं। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट।